So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, welcome to the fourth session of Flutter course offered by Antonix. Hamara aaj ka jo agenda hai, kal jo humne course, ek project start kiya tha, ye wala. Once, let me get it out. इस प्रोजेक्ट का काफ़ी सारा काम हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं और आज जो है ना इसमें एक 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 स्क्रीन रहता है उसको हम कंप्लीट करेंगे एंड इंशाल्लाह उसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसकी तरफ जाएंगे. राइट नाउ एक्चुअली हम मोस्टली फोकस कर रहे हैं यूआई पे, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट मस्ट मच फोकसिंग ऑन द बैकएंड थिंग्स और लाइक बिजनेस लॉजिक थिंग्स ओवर हियर. वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जब ये मोस्टली जब यूआई का काम हम काफ़ी सारा कर लें. इस वीक का हमारा यही मेन एजेंडा जो है ना, मोस्टली जो फर्स्ट टू वीक्स थे वो यूआई पे काम करना था एंड इसके बाद हम आगे जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे. तो यहाँ तक हमारा ये स्क्रीन हो चुका है. फर्स्ट वन वॉज दिस स्प्लैश स्क्रीन, इट इज़ डन. देन लॉगिन स्क्रीन था, ये भी हो चुका है. और उसके बाद हमारा ये रजिस्टर का स्क्रीन था, ये भी हो चुका है. मोस्टली ये हो चुका है. इसमें जस्ट ये एक चीज रहती है, राइट नाउ यू कैन सी योर हियर, बट यू सी योर हियर यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट के अंदर ही कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट ब्लू कलर में है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो वो करेंगे एंड उसके बाद हम ये वाला जो स्क्रीन है ये बनाएंगे. तो हमारा ये एप्लीकेशन, ये यूआई हमारा कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में फिर काम करेंगे फायरबेस पे, थोड़ा सा काम करेंगे इंशाल्लाह. और साथ में जो फ्लटर के जो डार्ट के जो एडवांस टॉपिक्स हैं उस पर काम करेंगे, डॉट लैंग्वेज के जो एडवांस टॉपिक्स हैं उस पर थोड़ा सा काम करेंगे. सो ये हमारा इस वीक का था एजेंडा. सो स्टार्टिंग विद टुडेज सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम करते हैं दोबारा से इसी एप्लीकेशन पे, दोबारा से हम काम स्टार्ट करते हैं. अगर आपको याद हो कल हमने जस्ट ये एक सिंपल टेक्स्ट विजेट यूज किया था, यहाँ पर ये वाला जो हमें टेक्स्ट नजर आ रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो ये जो हमने टेक्स्ट यूज किया है ये जस्ट सिंपल एक नॉर्मल टेक्स्ट विजेट है. इसके बाद हमारे पास अगर आपने स्पेसिफिकली कोई ऐसा विजेट यूज करना है जिसमें टेक्स्ट के अंदर ही कुछ और टेक्स्ट हो, जिस तरह हम वेब में यूज करते हैं ना स्पैन्स, तो स्पैन टाइप का जो है ना वो विजेट हमारे पास टेक्स्ट में भी मौजूद है. लेट मी गेट इट आउट कि वो कौन सा है. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि वो दैट वाज टेक्स्ट स्पैन और समथिंग लाइक दैट. यस, दैट्स एक्चुअली टेक्स्ट स्पैन. ओके, सो लेट मी, ओके वन मिनट, लेट मी फर्स्ट चेक इट आउट. अच्छा, अगर टेक्स्ट स्पैन टाइप अगर आपने कुछ बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है रिच टेक्स्ट का विजेट हम यूज करते हैं, सही है. अब रिच टेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा वो गाइडलाइन को बता दूं. रिच टेक्स्ट फ्लटर, सो रिच टेक्स्ट में ये है कि आपने लेट सपोज कोई एक टेक्स्ट विजेट है, उसी के अंदर आपने कुछ टेक्स्ट को कुछ स्टाइलिंग देनी है या उसका कलर चेंज करना है या उसकी उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करना है आपने, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिच टेक्स्ट का विजेट, सही है. अब रिच टेक्स्ट में हमारे पास जो है ना दो और अंदर के विजेट, मतलब इंटरनल जो प्रॉपर्टीज हैं वो है, एक हमारे पास है टेक्स्ट स्पैन, मतलब जिस टेक्स्ट को आपने डिफरेंट कलर देना है तो उसको हम टेक्स्ट स्पैन के अंदर डाल देते हैं. एंड देन उसके चिल्ड्रन में हम जो बाकी टेक्स्ट हैं वो भी साथ में डाल सकते हैं. सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, सही है. तो इसी को हम अभी दोबारा से अपने अपने एप्लीकेशन में अभी हम यूज करेंगे इसको इंशाल्लाह. सो दिस इज हाउ इट वर्क, सही है. सो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करवाना था इस चीज़ का कि इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं. सो Let's start with this one. Okay, तो यहाँ पर हमने अभी तक just normal text का widget use किया था. अभी हम use करेंगे text, rich text का, सही है? So rich text and rich text में हमारे पास होता है text का widget, सही है? इसमें हम देते हैं text span.
टेक्स्ट स्पैन में हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि उसमें हमारे पास टेक्स्ट क्या है, उसका स्टाइल। तो ये स्टाइल जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक्चुअली डिफॉल्ट स्टाइल होता है, सही है। डिफॉल्ट स्टाइल का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पर जो चिल्ड्रंस हैं उसके अंदर आप जितने भी टेक्स्ट स्पैन यूज करेंगे, अगर आप उसको अपना एक स्टाइल देते हैं तो वो जो आप स्टाइल आप यहाँ पे दे रहे हैं वो स्टाइल वो एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज जिनको आप स्टाइल नहीं देंगे तो ये आपका यही जो स्टाइल आपने यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल एड किया हुआ है तो सही यही सेम एग्जैक्टली ये स्टाइल यूज करेंगे वो। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट, यहाँ यहाँ पर हम इसको देते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हमारे पास था, अपने डिजाइन में चेक करते हैं कि हमारे डिजाइन में कैसे था। ओके सो इन आवर डिजाइन इट इज लाइक, ओके सो दिस इज आवर डिजाइन। स्टूडेंट ईमेल इज ब्लू, सो उसको हम इस सेक्शन को हम यहां से निकाल के, ये हमारे पास एक्चुअली ओके सॉरी, ये जो बाकी टेक्स्ट था वो हमारे पास टेक्स्ट पैन में आएगा और ये हम यहाँ पे टेक्स्ट में डाल देते हैं क्योंकि इसका यही कलर बाय डिफॉल्ट होगा। सो स्टाइल, स्टाइल में हम इसको यही हमने बाकी बाकी टेक्स्ट का हमने यही सेम स्टाइल रखना था तो सेम स्टाइल यूज कर लेंगे यहाँ पर। एंड उसके बाद हमारे पास चिल्ड्रन है, सो चिल्ड्रन में हमारे पास क्या होगा, लिस्ट ऑफ टेक्स्ट स्पैन होंगे, सही है। सो यहाँ पर हम डालते हैं टेक्स्ट स्पैन, यहाँ पे देते हैं इसको टेक्स्ट और टेक्स्ट में हम क्या देंगे इसको, स्टूडेंट ईमेल, सॉरी, एंड इसको हम अलग से स्टाइल देते हैं, सही है। यही सेम टेक्स्ट स्टाइल यूज कर लेंगे जैसे इसका हमने कलर साथ में ब्लू करना है, कलर हो जाएगा इसका ब्लू थीम कलर। सो स्टूडेंट ईमेल का स्टाइल हमारे पास चेंज हो जाएगा एंड उसके बाद ये हमारे पास जो बाकी टेक्स्ट रह गया है उसको मैं एक और टेक्स्ट फैन के अंदर डाल देंगे। टेक्स्ट और टेक्स्ट पे हम ये टेक्स्ट डाल देते हैं, ओके जब मैं इसको मैं सेव करूंगा आप लोग अब यहां पर देख लें, ये टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये देखेंगे चेंज हो गया है। जस्ट इसको स्पेसिंग देनी है, जस्ट स्पेस, तो आप स्पेसिंग दे देते हैं इसको, यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ, सही है। इसमें एक है अभी टेक्स्ट अलाइन का हम चेक करते हैं, इसमें हमारे पास टेक्स्ट अलाइन है या नहीं है, टेक्स्ट अलाइन है इसमें, सो टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। सो नाउ यू कैन सी हमारे पास एग्जैक्टली टेक्स्ट भी वही सेम है जो हमने यहाँ पर डिजाइन में देखा है, सही है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, सही है। अदर देन दे अगर आप लोग यहाँ पर देख लेंगे जो लॉग इन का नीचे जो टेक्स्ट था ऑलरेडी लॉग इन, अच्छा अगर यहाँ पर देख लें आप लोग तो यहाँ पर मैंने जब लास्ट टाइम में बना रहा था तो मैंने एक रो यूज किया था, सो आप रो भी यूज कर सकते हैं। बट अब अगर ये केस देख लें, ये वाला केस, इसमें आप रो यूज नहीं कर सकते, रो कॉलम्स यूज नहीं कर सकते हैं, सही है। सो यहाँ पर आप स्पेसिफिकली टेक्स्ट पैन का काम आता है, सो यहाँ पर आप स्पेसिफिकली टेक्स्ट पैन यूज करें, सही है। अगर आपने यहाँ पर भी टेक्स्ट पैन यूज करना है तो यहाँ पर भी हम टेक्स्ट पैन एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं। सो लेट्स यूज टेक्स्ट पैन ओवर हियर एज वेल। सो हम क्या करते हैं, सॉरी सो यहाँ पर भी हम टेक्स्ट स्पैन यूज करते हैं जो यहाँ पर था, सो देट वॉज ऑन लॉग इन स्क्रीन, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम ये रो यूज किया था। सो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी टेक्स्ट स्पैन यूज कर लेते हैं ताकि हमारे पास डिजाइन एग्जैक्टली सेम आ जाए, सही है। सो ये हमारे पास था टेक्स्ट, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं रिच टेक्स्ट यूज करेंगे।
टेक्स्ट स्पैन एंड यहां पर इसको देते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट में था ये टेक्स्ट ओके सो टेक्स्ट एंड इसको स्टाइल देते हैं स्टाइल भी इसका हम यही जो स्टाइल हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है सेम एग्जैक्टली ये स्टाइल यूज कर लेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पर नीचे जो चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन में हम टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर लेंगे सो दिस वाज टेक्स्ट स्पेन ओके सो दिस टेक्स्ट स्पेन ओके प्लीज टर्न ऑफ योर माइक सॉरी ओके सो यहां पर टेक्स्ट फैन तो हो गया है एंड यहां पर चिल्ड्रन में हम यहां पर अभी हमारे पास जस्ट एक ही टेक्स्ट फैन आएगा चिल्ड्रन में ये हमारे पास हो जाएगा टेक्स्ट नो सॉरी ये वाला ये टेक्स्ट एंड स्टाइल वो स्टाइल हम यहां पर ये वाला यूज कर लेंगे सो इस रो के बजाय हमने अभी यहां पर टेक्स्ट स्पैन यूज किया है टू मेनी पोजिशनल आर्गुमेंट्स सॉरी टेक्स्ट सो दैट वाज एक्चुअली नेम्ड आर्गुमेंट हम इसको सेव करते हैं सो यहां पर आपको अगर नजर आ रहा हो तो हमने लास्ट टाइम हमने ये किया था रो एंड कॉल रो के थ्रू हमने किया था इस डिजाइन में लॉगिन के डिजाइन में लॉग रजिस्टर के डिजाइन में हमने इसको रो के थ्रू किया था और यहां पर इसको हमने टेक्स्ट स्पैन के थ्रू किया है सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट लॉग इन सो दीज आर लाइक एक्चुअली डिफरेंट वेज आप कोई डिजाइन उसमें बना सकते हैं सो दिस रजिस्टर स्क्रीन नाउ लेट्स गिव सम स्पेस सो यहां पर हमारा जो कल के जो हमने तले वो स्क्रीन्स बनाए थे वो यहां तक कंप्लीट हो जाते हैं नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट दिस पेज एज वेल हमारे पास अभी जो ये यूआई है अब हम आके ये यूआई बनाते हैं सही है ओके सो हमारा रजिस्टर स्क्रीन भी हो गया है जो दूसरे दो स्क्रीन थे स्प्लैश स्क्रीन लॉगिन स्क्रीन और रजिस्टर स्क्रीन तीनों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्क्रीन बनाते हैं प्रोफाइल स्क्रीन का सही है उसके लिए एक और फाइल बनाते हैं प्रोफाइल स्क्रीन इंपोर्ट मटेरियल एंड यहां पर हम देते हैं इसको एक स्टेटलेस विजिट और प्रोफाइल स्क्रीन स्केफोल्ड ओके बॉडी में हम यूज करेंगे एक कॉलम अच्छा अभी हमने बनाना है ये डिजाइन सही है तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पर हमारे पास जितने भी सेक्शंस हैं मोस्टली हमारे पास तीन सेक्शंस हैं इसमें प्रोफाइल का टेक्स्ट है फिर हमारे पास ये मेन यूजर इंफॉर्मेशन है यहाँ पर एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो बाकी थोड़े से हैं मैनेज एड्रेस अपडेट इंफॉर्मेशन अबाउट एंट्रोनिक्स एंड लॉग आउट सही है सो ये हमारे पास यहाँ पर ये तीन सेक्शंस हैं तो इसको भी हम बनाएंगे यहाँ पर सो तीनों हमारे पास वर्टिकली अलाइन है सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग कॉलम ओवर हियर इसमें हमारे पास अभी तीन सेक्शन है एक हमारे पास है प्रोफाइल टेक्स्ट एंड उसके बाद
पर्सनल इन्फो है, ये इसको यूजर इन्फो कह रहे हैं। एंड उसके बाद हमारे पास है टैब्स, सही है, ये तीन, ये बाकी जो टैब्स का सेक्शन है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड कलर बिल्कुल ब्लू है, तो हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्केफल्ड का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कर देते हैं, सही है। ब्लू थीम कलर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं यहाँ पर प्रोफाइल स्क्रीन, इसको हम रिस्टार्ट करते हैं ताकि हम प्रोफाइल स्क्रीन पे चले जाएं। वो सारी डिजाइनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी सारी डिजाइनिंग फाइनल हो जाए, देन हम अपना दोबारा से सारे स्क्रीन कनेक्ट करेंगे, सही है। सो इसको हम करते हैं सेव एरिया, सो दैट्स इन अ सेफ एरिया। नाउ जो हमारा फर्स्ट है वो है यहाँ पर एक टेक्स्ट विजिट है प्रोफाइल, एंड उसके बाद हमारे पास यूजर इंफॉर्मेशन का सेक्शन है, सही है। सो यूजर इंफॉर्मेशन सेक्शन में अगर आप लोग देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल चलें इसकी स्टाइलिंग कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास है वाइट पोपिंस 25 एंड बोल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टाइल बनाते हैं यहाँ पर टेक्सटाइल्स, इसमें हम करते हैं ये बोल्ड है तो इसी को हम यूज करते हैं, सही है। फाइनल बोल्ड वाइट टेक्स्ट स्टाइल, अच्छा आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहां पर, सही है। सो मैं वही बोल्ड ब्लू यूज करके उसको मैं दोबारा से डॉट कॉपी विद, उसको मैं कॉपी करता हूं, उसमें जिसमें फॉन्ट साइज चेंज करता हूं, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 25 है यहां पर हमारे पास, एंड जो कलर है वो हमारे पास वाइट है, सही है। सो आप इस तरह कर सकते हैं कॉपी विद कंस्ट्रक्टर यूज करके, जो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी पहले से बना हुआ है उसी को कॉपी करके आप अपना नया कंस्ट्रक्टर उससे बना सकते हैं, बस उसमें नई वैल्यू इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं, सही है। सो हम भी एग्जैक्टली यहाँ पर वही कर रहे हैं, सॉरी ये यहाँ पर हमें चाहिए चिल्ड्रन। सो स्टाइल इज वाइट बोल वाइट टेक्सटाइल, इसको इंसर्ट करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट। तो हमारा प्रोफाइल का सेक्शन आ गया है, बाकी इसकी स्टाइलिंग करनी है। अच्छा अगर आप लोग देख लें यहाँ पर तकरीबन जो साइजिंग है यहाँ पर साइड पे, ये देखें आप यहाँ पर जिसको जितना, एक मिनट सेलेक्ट कर लें इसको, ओके सो अगर आप लोग यहाँ पर देख लें इसको कितनी पेडिंग मिली हुई है, Why is that selected? Okay. अच्छा इससे मुझे यहाँ पर पेडिंग नहीं मिल रही है, I don't know why. बट हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसको कितनी पेडिंग मिली हुई है साइड साइड पे, सही है। सो इसको साइड पे 21 है, तो हम बाकी सब का जो है ना वो 21 रख देते हैं, सही है। इसका 33 है बट इसको भी हम अलाइन कर सकते हैं, लेट्स मेक इट 25, सही है, साइड पर जो हम पेडिंग देंगे, और टॉप से जिसकी जो पेडिंग है वो है 27, सो लेट्स मेक इट 30। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कॉलम को पेडिंग देते हैं, एज इंसर्ट्स डॉट इसको कर देते हैं फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट एंड बॉटम। सो लेफ्ट से हमारे पास है 25, टॉप के हम करते हैं 30, एंड राइट से भी 25, एंड बॉटम से इसको करते हैं 0। सो इसकी पेडिंग सेट हो गई है, एंड अभी हमने बनाना है प्रोफाइल इन्फो का जो सेक्शन है। अब प्रोफाइल इन्फो सेक्शन में अगर आप लोग देख लें यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है और साथ में ये दो टेक्स्ट विजिट्स हैं,
तो अगर आप इसको देख लेंगे, हमारे पास एक रो में अलाइन हो सकते हैं. सो दिस इज अ रो ऑफ दिस वन एंड अ कॉलम ऑफ दिस थिंग, सही है. सो इसको हम कैसे अलाइन करेंगे, यहाँ पर एक हम रो विजिट यूज करेंगे चिल्ड्रन, एंड देन चिल्ड्रन में हमारे पास होंगे एक होगा प्रोफाइल इमेज, सही है, और दूसरा हमारे पास होगा कॉलम ऑफ यूजर नेम एंड ईमेल, सही है. सो इसमें हमारे पास ये दो सेक्शन आएंगे, सही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं प्रोफाइल इमेज की तरफ आते हैं. सो यहां पर हम एक इमेज का विजिट यूज करेंगे. ओके, इसमें हमारे पास इमेज आएगा, एंड इमेज यहाँ आप यहाँ पर आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं, सही है. आप यहाँ पर नेटवर्क इमेज भी यूज कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई कि हम यहाँ पर कोई नेटवर्क इमेज यूज करते हैं, सही है. यहाँ पर हम किसी एक्टर की पिक्चर उठा के वो डाल लेते हैं, सही है. हमजा अली अब्बास इज अ गुड वन, उसी को उठा लेते हैं. अगर किसी को पसंद नहीं है तो उसके लिए सॉरी. ओके, यहां से कोई पिक्चर उठाते हैं जिसका डायरेक्ट लिंक हमारे पास मौजूद हो. इसका हम लिंक कहां से उठाएंगे, ये सही है. तो हमने यहां से इसका लिंक उठा दिया है. अभी हम चेक करते हैं कि यहां पर ये इमेज हमारे पास आएगा. यस, सो हम ये इमेज उठा लेते हैं यहां से, एंड वहां पर अभी हम इसी इमेज को यूज करेंगे. अच्छा, अभी तक हमने जितने भी इमेजेस यूज किए थे वो हमने एसेट इमेजेस यूज किए थे, सही है. तो अब हम यहां पर यूज करेंगे नेटवर्क इमेज के, मतलब आप अगर किसी रिमोट लोकेशन से इमेज उठा रहे हैं तो वो भी आप उठा सकते हैं, सही है. सो यहाँ पर मैं अभी यूज कर रहा हूँ नेटवर्क इमेज. इसका जो साइज है, हाइट एंड विड्थ है, वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमारे पास है ये 69 कर लेते हैं इसको, हाइट 69 एंड विड्थ 69. ओके, सो लेट्स म्यूट इट नाउ. ओके, एंड इसका भी हम विड्थ भी 69 कर देते हैं. ओके, सो वी आर अनेबल टू गेट दिस इमेज ओवर हियर. आप प्लीज जो जो भी लोग ज्वाइन करें, आप अपने प्लीज माइक्स अपने ऑफ रखें, सही है, अपने माइक्स ऑफ रखें. ओके, सो यहाँ पर हमने अभी नेटवर्क इमेज यूज किया है, बट यहाँ पर इमेज हमारे पास फिलहाल फिच नहीं हुआ. सो व्हाट, लेट्स रीस्टार्ट इट. ओके, व्हाट मे बी द रीजन. चले, फॉर टाइमिंग हम एसेट इमेज यूज कर लेते हैं. शायद हमने जो यूआरएल दिया हुआ है उसमें कोई मसला हो, हम अपना कोई इमेज उठा लेंगे फिर बाद में. सो यहाँ पर राइट नाउ कोई एसेट इमेज फॉर टाइमिंग यहाँ से उठा लेते हैं, इमेजेस से. एंटोन इसका लोगो है, नहीं ये भी नहीं, ये लोगो फॉर टाइमिंग हम उठा लेते हैं यहाँ से. इसका यूआरएल यहाँ पर डाल देते हैं, इसको फिर हम लेटर ऑन चेंज कर देंगे, सही है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना मकसूद है कि आपने डिजाइनिंग कैसे करनी है इसकी. ओके, सो इट्स नॉट विजिबल प्रॉपरली, द इमेज इज हियर बट इट्स नॉट प्रॉपरली विजिबल बिकॉज इमेज का कलर भी हमारे पास ब्लू है, एंड
ओके सो लेट्स ऐड एन इमेज फ्रॉम हियर। सही है, किसी एक की इमेज उठा के उसको हम सेव कर लेते हैं अपने साथ। इसको कॉपी करके हम यहाँ पर डाल देते हैं। ओके सो यहाँ पर ये इमेज हमारे पास आ गई है। अभी इसमें यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको ये समझना है कि हमने इसको इस तरह डिजाइन कैसे करना है, जिस तरह हमारे पास डिजाइन में अभी आपको नजर आ रहा बिल्कुल राउंड करना, और ये अभी हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम क्या करें, इसके टॉप पे हम क्या यूज करें, कंटेनर यूज करें। सही है, कंटेनर यूज करें, यहाँ पे इसको डेकोरेशन दें, बॉक्स डेकोरेशन, और इसको हम राउंड कर दें। सही है, बॉर्डर रेडियस डॉट ओके सो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और उसको हम दे दें लेट्स सपोज 50 बॉर्डर रेडियस दे दें। सो ये हमारे पास कंप्लीटली राउंड हो जाएगा। सही है, बट अब इसमें मसला ये है, यहाँ पे इसको हम कलर भी देते हैं, कलर इसको देते हैं कलर्स। असल में यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं, पहले वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्चुअल इसका सोल्यूशन बताऊंगा, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। सही है, अब अगर आप लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड पे हमारे पास जो चाइल्ड को कमेंट आउट करते हैं, तो बैकग्राउंड पे हमारे पास जो ओके इसको साइज दे देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइट एंड विड्थ देते हैं, तो ये सही नहीं हो जाएगा। हाइट हाइट 69 एंड विड्थ 69। सही है, अब आप लोग देख लें यहाँ पर कंटेनर जो है ना हमारे पास बिल्कुल वो बिल्कुल राउंड आ रहा है जिस तरह हमें चाहिए था यहाँ पर। बट अब मसला ये है यहाँ पर कि जो इमेज है ये ऑटोमेटिकली क्रॉप नहीं होगा इस एरिया के अंदर। सही है, तो इस एरिया के जब अंदर जब ये ऑटोमेटिकली क्रॉप नहीं होगा तो यहाँ पर हमारे लिए ये मसला बना रहा है। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे कंटेनर यूज नहीं करते हैं। एक और ऑप्शन है यहाँ पर, बट जो सबसे इजीएस्ट वे है वो क्या है कि आप हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, कंटेनर को मैं रिमूव कर लेता हूँ, कंटेनर हमारा काम नहीं करेगा। सही है, सो फर्स्ट आपको सबसे पहले मैंने जो वन ऑफ द सोल्यूशन है वो बता दिया जो कि काम नहीं करेगा। सही है, अभी जो नेक्स्ट सोल्यूशन है वो क्या है, वो हम यहाँ पर एक विजेट है क्लिप आर रेक्ट, वो आपका जो एरिया है उसको क्लिप कर देता है। सही है, क्लिप रेक्टेंगल के नाम से है ये, यहाँ पर इसको हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, इसको आप लेट सपोज हम 60 देते हैं, तो आई थिंक 60 कम्प्लीटली राउंड हो जाएगा। सही है, तो देखें आप लोग हमारा जो इमेज था वो कम्प्लीटली राउंड हो गया है। सही है, बट अभी कम्प्लीटली राउंड नहीं हुआ, यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर अभी हमने इसकी फिटिंग करनी है। सही, यहाँ पर जो हमने इमेज यूज किया है इसको अभी हम फिट करेंगे। सही, सो फिट बॉक्स फिट डॉट कवर, आप लोग यहाँ पर कवर यूज कर सकते हैं। सही है, राइट नाउ एक्चुअली जो यूज हुआ है वो बॉक्स फिट डॉट कंटेन है, तो कंटेन से ये होता है कि आपका पूरा इमेज वो जो आपने एरिया डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर जरूरी है कि वो आ जाए। जब आप कवर करेंगे तो जस्ट ये देख लें बाकी एरिया जो है ना उसको वो क्या क्या कह सकते हैं उसको वो क्लिप आउट कर देता है। सही है, तो ये हमारे पास इसका हो गया इमेज। सही है, राउंडेड इमेज। सो राउंडेड इमेज हमारे पास हो गया है, अभी हमने यहाँ पर जो दो टेक्स्ट विजिट्स हैं वो यूज करने हैं, एंड कॉलम ऑफ टू टेक्स्ट विजिट्स। सही है, क्योंकि वर्टिकली अलाइन है सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉलम ऑफ टू टेक्स्ट विजिट्स। इसको मैं कह देता हूँ हमजा अली अब्बासी एंड टेक्स्ट ओके हमजा अली अब्बास इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान, सो अगर किसी को पसंद नहीं है तो उसके लिए सॉरी।
hamzaeightmile.com कर लेते हैं, सही है? सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामास फ्रॉम हमजा अली अब्बासी। तो हमारे पास ये अभी टेक्स्ट भी आ गया है, अभी इसकी स्टाइलिंग करते हैं और इसकी अलाइनमेंट करते हैं, सही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ये जो अलाइंड है बिल्कुल लेफ्ट अलाइन है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, मेन अभी ये देखें ये कॉलम जो है ना ये सेंटर्ड अलाइन है, सही है, मेन एक्सिस पे, सॉरी क्रॉस एक्सिस पे। सो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर लेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे हमारे पास, सही है? सो बोथ ऑफ देम आर लेफ्ट अलाइन राइट नाउ। यहाँ पर हम इसको ये रो के अंदर यहाँ पर एक साइज बॉक्स देते हैं ताकि हम इसको थोड़ी सी स्पेसिंग दे दें। स्पेसिंग हम चेक करते हैं कि कितनी है इनके दरमियान। सो डेट्स ओके, आप स्पेसिंग किस तरह कर सकते हैं, एक्सडी के अंदर आप जस्ट ये विजिट सेलेक्ट करें, आप अल्ट अल्ट पे क्लिक अल्ट प्रेस करें और साथ में ये कर्सर जो है ना आप जिस विजिट पे लेके जाएंगे आपको उसके दरमियान जो स्पेसिंग है उसका बताएगा। सो डेट्स 26.4, सो हम इसको कर लेते हैं, लेट्स सपोज 26 ही इनफ है। सो डेट्स 26, सॉरी इसको विड्थ देंगे 26, सही। अब नेक्स्ट स्टेप है इसको इसकी स्टाइलिंग करना। तो यहाँ पर हमारे पास इसको प्रॉपर क्लिक करें कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाए। सो दैट्स पॉपिंस मीडियम एंड दिस वन इज पॉपिंस रेगुलर। ओके सो दैट्स 12 एंड दैट्स 12 एज वेल। तो हम क्या करते हैं इसके लिए अलग से फॉन्ट स्टाइल बना लेते हैं यहाँ पर। ओके सो टेक्स्ट स्टाइल में एक और स्टाइल बनाते हैं, मैं इसी को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, सही है? सो डेट्स यूजर नेम टेक्स्ट स्टाइल कर लेंगे इसको, सही है? पॉपिंस फैमिली है, इसका साइज हमारे पास 12 है, कलर हमारे पास इसका कलर्स डॉट वाइट है एंड फॉन्ट वेट इसका क्या है, फॉन्ट वेट इसका रेगुलर है, नो सॉरी ये मीडियम है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि यहाँ पर हमने मीडियम फॉन्ट ऐड किया था या नहीं, पॉपिंस के अंदर हमने सेमी बोल्ड ऐड किया हुआ है। सो चले इसको हम फॉर टाइमिंग, एक्चुअली हमने यहाँ पर मीडियम फॉन्ट ऐड नहीं किया, सो दैट्स व्हाई वी वॉन्ट बी एबल टू यूज मीडियम फॉन्ट ओवर हियर, सही है? सो यहाँ पर सेमी बोल्ड है तो राइट नाउ हम क्या यूज कर लेते हैं, सेमी बोल्ड यूज कर लेते हैं, सही है? और सेमी बोल्ड हमारे पास आई थिंक 600 होता है, सही? सो मैं सेमी बोल्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर एंड देन दैट्स एनफ। यूजर नेम टेक्सटाइल है, सो यहाँ पर प्रोफाइल में यूजर नेम था तो स्टाइल में क्या कर लेते हैं, यूजर नेम टेक्सटाइल, सही है? सो यूजर नेम टेक्सटाइल इज लाइक यूजर नेम एंड देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग दिस वन। सो इसका फॉन्ट हमारे पास रेगुलर है, सो यूजर नेम कहीं हम यूज कर लेते हैं स्टाइल, स्टाइल यूजर नेम टेक्सटाइल डॉट कॉपी विथ इसका जस्ट फॉन्ट वेट चेंज है उससे, सही है? सो फॉन्ट वेट हम चेंज कर लेते हैं रेगुलर पे, सही है? फॉन्ट वेट डॉट नॉर्मल पे, सही है? सही। सो ये हमारे पास हो गया है ये सेक्शन भी। अभी यहाँ पर असल में ये हमने काफी जूम इन किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग डिफरेंट देन दिस वन, बट एक्चुअली दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो दैट्स जॉन डू एंड उसका यूजर नेम हो गया है। अब दूसरा ये है कि इनके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग है तो हम स्पेसिंग दे देते हैं साइज बॉक्स और इसकी हाइट देते हैं इसको लेट्स सपोज हम 10, सही? It looks like lot more, so let's compare them 5. 5 would be enough, सही है? So that's all right now. अब इसमें just एक हमारे पास रह गया है, ये profile हमारे पास बिल्कुल center में आ रहा है, तो यहाँ पर हमने column use किया था, तो column की जो alignment है वो हम change कर लेते हैं cross axis में, सही है? So ये असल में ये सारे column के अंदर आ रहे हैं, so that's why cross axis alignment dot start,
और जिसको क्रॉस एक्सेस और मेन एक्सेस का नहीं पता, उनके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई थी स्टार्ट में। ये फर्स्ट सेशन में हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सो इट्स सजेस्टेड फॉर देम टू टू हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट फ्यू वीडियोस। ओके, ये प्रोफाइल सेक्शन एंड यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिंग चाहिए, तो यहाँ पर हम एक साइज बॉक्स यूज कर लेते हैं। साइज बॉक्स हाइट एंड हाइट हम लेट सपोज आई थिंक 10 वुड बी इनफ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें थोड़ी बहुत स्पेसिंग ऑलरेडी है। सो यहाँ पर जो टॉप का सेक्शन था वो हमारे पास हो गया है। अभी हमारे पास रह गया है बाकी ये वाला सेक्शन, अभी हमने ये सेक्शन बनाना है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक विजिट यूज होगा। अब हम ये सेक्शन बनाएंगे, तो इस सेक्शन में आप लोग देख लें बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड हम किस तरह बना सकते हैं, ये एरिया ये हम कंटेनर यूज करके बना सकते हैं, सही है। सो वी आर यूजिंग अ कंटेनर ओवर हियर, और कंटेनर का जो बैकग्राउंड है वो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर जो है, ओके, इसको हम डेकोरेशन देंगे, सही है। एंड बॉक्स डेकोरेशन ओवर हियर, क्योंकि कंटेनर में जो डेकोरेशन यूज होती है वो बॉक्स डेकोरेशन होती है। एंड कलर इसका क्या हो जाएगा, कलर कलर्स डॉट व्हाइट, ओके। सो अभी इसका हमें बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जस्ट उस एरिया को इनसर्कल करता है जिसमें कुछ विजिट्स हो, तो अभी हमने कोई भी विजिट इसके अंदर नहीं डाला, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास इसका हाइट एंड विड्थ कुछ नजर नहीं आ रहा। तो अगर इसको मैं हाइट देता हूँ, हाइट इसको मैं देता हूँ लेट सपोज 5, लेट सपोज 100, सो आप लोग देख लें यहाँ पर इसका भी हाइट नजर आ जाएगा, सही है। बट अगर आप लोग देख लें ये हमारे पास एक्चुअली कहाँ तक ये हुआ है, स्क्रीन के एंड तक ये हुआ है, सही है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि स्क्रीन का एंड कहाँ पर आएगा, कितने मतलब कितने पिक्सल्स का होगा। अब इसमें दूसरी बात यह है कि हर एक स्क्रीन का जो है ना वो पिक्सल्स उसके डिफरेंट होते हैं, सही है। स्क्रीन पे जो पिक्सल्स होते हैं, स्क्रीन साइज जो होता है, स्क्रीन डेंसिटी जो होती है वो चेंज होती है, स्क्रीन साइज भी चेंज होता है, स्क्रीन की डेंसिटी भी चेंज होती है। तो यहाँ पर हम इसको जस्ट पिक्सल्स में डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम एक विजिट यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड, सही है। सो एक्सपेंडेड क्या करता है, आपका जो करंट विजिट है उसको कम्प्लीटली एक्सपेंड कर देते हैं, जो हमारे पास एरिया अवेलेबल है, सही है। सो यहाँ पर मैं एक्सपेंडेड विजिट यूज कर दूंगा, सही है। एंड यहाँ से इससे हाइट हटा देते हैं, सही है। अब ये देख लें तो स्क्रीन में जितना एरिया था वो सारा एरिया इसने कवर कर लिया है, सही। सो एक्सपेंडेड विजिट क्या करता है, अगर आप इसको कॉलम के अंदर यूज कर रहे हैं, कॉलम के अंदर राइट नाउ अभी इसको हम कॉलम के अंदर यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास मेन कॉलम है ना, तो मेन कॉलम के अंदर ही ये एक्सपेंडेड का विजिट यूज हो रहा है। तो जब एक्सपेंडेड कॉलम के अंदर यूज होता है, तो वर्टिकली जितना स्पेस आपके पास अवेलेबल होता है तो उसको वो कवर कर लेता है, सही है। एंड अगर आप इसको कॉलम के अंदर सॉरी रो के अंदर यूज करते हैं, तो आपके पास हॉरिजेंटली जितना स्पेस होता है उस हॉरिजेंटल पूरे स्पेस को ये कवर कर लेगा, सही है। अब जस्ट यहाँ से ऊपर कुछ इसको स्पेसिंग देनी है, सो हम इसको स्पेसिंग देते हैं, यहाँ पर ये है 20 28, तो हम इसको कर लेते हैं साइज बॉक्स, इसको दे देते हैं लेट सपोज 29 स्पेसिंग टॉप से, हाइट इसकी रख देते हैं 29, ओके, सही है। आप लोग देख लें अब ये ऑटोमेटिकली जब आप जितना स्पेस देंगे टॉप से, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करेगा, सही। अब जो नेक्स्ट जो टास्क है वो इसके कॉर्नर्स को हमने राउंड करना है, सही है। तो बॉर्डर रेडियस हम देंगे इसको, बट अगर आप लोग देख लें नीचे का जो नीचे के जो बॉर्डर्स हैं वो राउंडेड नहीं है, जस्ट टॉप के बॉर्डर्स इसके राउंडेड है, सही है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम जस्ट एक स्पेसिफिक बॉर्डर को राउंड कर दें, सही। तो डेकोरेशन में आएंगे बॉर्डर रेडियस, तो हम यहाँ पे आएंगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे ओके सर्कुलर बॉर्डर रेडियस, ओके 1 मिनट, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर साइड, बॉर्डर
बॉर्डर एरियाज, कम ऑन, हाँ ओके। सो ये डायरेक्टली हमसे बॉर्डर लेता है। सो 1 मिनट, लेट मी चेक इट आउट। ओके इसमें हमारे पास, इसमें हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, बट अब मेरे ध्यान से वो एग्जैक्टली वो निकल गया है, बॉर्डर रेडियस। एंड यहाँ पर हम इसको ये असाइन नहीं कर सकते, सही है? बॉर्डर डजंट हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज इट। ओके हम इसको देंगे रेडियस डॉट, हाँ ये, नो ये कंस्ट्रक्टर भी नहीं है। ओके लेट मी चेक इट आउट, मेरा दिन से एग्जैक्टली निकल गया है। सो वन इज बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। ओके लेट चेक इट आउट। बॉर्डर रेडियस ऑफ कंटेनर, एक मिनट, इसको हम करते हैं टॉप लेफ्ट बॉर्डर रेडियस कंटेनर इन फ्लटर। सो सर्कुलर बॉर्डर साइड, सो दैट्स नॉट बॉर्डर साइड, 1 मिनट, या दैट्स बॉर्डर रेडियस नॉट ओनली। सो बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली, यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमने किसको देना है बॉर्डर रेडियस, सही है? सो वन इज टॉप लेफ्ट को हमें देना है, टॉप लेफ्ट, सो रेडियस डॉट सर्कुलर इसको देंगे, रेडियस डॉट सर्कुलर। एंड इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि इसको कितना बॉर्डर रेडियस मिला हुआ है। डोंट नो, इस डिजाइन में कुछ इशू है, यहाँ पर मुझे इसके पैरामीटर नजर नहीं आते। सो क्योंकि ये काफी ऊपर तक गया हुआ है ये डिजाइन। ओके सो लेट्स जस्ट लेट गेस इट, 20 इसको दे देते हैं, ये टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट। सही है? सो आई थिंक इट्स राइट नाउ, इट्स परफेक्ट, 20 इनफ है। सो यहां तक हमारा ये स्क्रीन का मेन वो सेक्शन हो गया है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास ये एरिया है, सही है? और आप लोग देख लीजिए, सर जितने भी विजिट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास वर्टिकली अलाइन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो चाइल्ड है कंटेनर का, उसमें हम एक कॉलम ऐड कर देते हैं, सही है? सो चाइल्ड एंड चाइल्ड में हम क्या करते हैं, एक कॉलम चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन में हम इसको देते हैं। अब आप लोग देख लें यहाँ पर जितने भी विजिट्स हैं, ये देख लें, ये हमारे पास जो तीन है, ये जो पूरा एक रो है, ये हमारे पास सब में सेम है तकरीबन तकरीबन, सही है? जस्ट इसमें टेक्स्ट चेंज है, बट एनी हाउ इसको भी हम सेम रख लेते हैं फॉर नाउ। एंड देन उसके बाद हमारे पास लगआउट है, लगआउट का बटन है। सो हम क्या करते हैं, इसको हम एक कस्टम विजिट बना लेंगे, सही है? सो फॉर नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक, फॉर नाउ इसको कर लेते हैं यहाँ पर रो में चिल्ड्रन एंड ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक आइकन है, फिर टेक्स्ट है, और फिर दूसरा आइकन है, सही है? सो आइकन आइकॉन डॉट पिन, ये पिन ड्रॉप ही सही होगा। अगर आपके पास कस्टम आइकन है तो आप कस्टम आइकन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, सही है? अगर आपके पास है, बट राइट नाउ अभी हम इसे एक्सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उसमें टाइम लगेगा काफी। सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट यूजिंग जो डिफॉल्ट हमारे पास है ऑलरेडी, इसको हम कर लेते हैं मैनेज। चलिए इसको फॉर टाइमिंग कर देते हैं टेक्स्ट, सही है? एंड देन हमारे पास फिर एक और आइकन है एरो लेफ्ट का, सही है? आइकॉन डॉट एरो
आइकॉन, सो देयर इज ओनली आइकन, सही। सो ये तीनों आइकन हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर। अभी अगर आप लोग देख लें, ये इसके दरमियान कुछ थोड़ी सी स्पेसिंग है, सो स्पेसिंग एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये कितनी स्पेसिंग है, सो देयर 16। सो यहाँ पर हम एक साइज बॉक्स लगा देते हैं, साइज बॉक्स, एंड इसको हम विड्थ देते हैं 16 की। ओके, सो दैट्स डन। और बाकी आप लोग देख लें, जो बाकी स्पेसिंग है वो यहाँ पर काफी स्पेसिंग है, सही है। सो इसको हमने जस्ट मूव करना है बिल्कुल राइट पे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्पेसर का भी यूज कर सकते हैं, सही है, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है। एक्सक्यूज मी, जी। वी डोंट हैव एनी रेडीमेड विजेट लाइक वी आर यूजिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट इन HTML एंड PHP. ऑर्डर लिस्ट, अच्छा आप लिस्ट की बात कर रहे हैं, लिस्ट हमारे पास इसमें है, एग्जैक्टली लिस्ट हमारे पास इसमें है, बट राइट नाउ जब हमारे पास जो डेटा है वो स्टैटिक हो, मोस्टली हम फिर लिस्ट यूज नहीं करते हैं। मतलब अभी हमारे पास यहाँ पर जस्ट तीन विजिट्स हैं, मतलब वर्टिकली अलाइन है तीन विजिट्स, तो इसमें हम लिस्ट यूज करने का फायदा नहीं है। लिस्ट हम उसके उन केसेस में यूज करते हैं अगर हमारे पास इसमें है, उन केसेस में यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा डायनेमिक आ रहा हो और हमें उसके साइज का पता ना हो, मतलब लेट्स सपोज मतलब 50 है, 20 है, जो स्क्रॉलेबल हो थोड़ा सा, तो वहां पे हम फिर लिस्ट भी यूज करते हैं। लिस्ट हमारे पास है इसमें, एग्जैक्टली थैंक है, यू. हाँ, बट राइट नाउ अभी उसका यूज केस नहीं आया, तो इस वजह से हमने यूज नहीं किया। यूज केस आगे आगे एप्स में आएंगे, चलो उसको हम यूज करेंगे। सो दैट्स हाउ इट्स डन। बाकी इसमें अगर आप लोग देख लें, यहाँ पर इसके अंदर कुछ इसको इसको कुछ पेडिंग मिली हुई है, सही है। सो हम एक्चुअली ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने यूज किया हुआ है इसको, इस कॉलम को ना, सो दैट्स वाई कंटेनर के अंदर ही हमारे पास यहाँ पर पेडिंग का विजिट भी होता है और मार्जिन का विजिट भी होता है, सही है। सो एज इंसर्ट्स डॉट ओनली एंड ओनली में हम करते हैं इसको लेफ्ट पे, हम कितना कितनी स्पेसिंग है, लेफ्ट लेफ्ट में 22 है, तो इसको हम लेफ्ट पे 20 रख लेते हैं, लेफ्ट 20 एंड राइट भी 20 कर लेंगे, एंड टॉप टॉप हमारे पास है 53, सो दैट्स 53, सही। सो ये यहाँ पर हमारे पास तकरीबन अलाइन हो चुका है। बाकी इस आइकन का जो कलर है वो ब्लू है, तो इस आइकन आइकन जो है, आइकन्स के कलर हम चेंज कर सकते हैं, सही है। सो दिस इज ब्लू, थीम कलर कर लेते हैं इसको, सो दैट वुड बी ब्लू थीम कलर। और इस टेक्स का जो टेक्सटाइल है वो हम देखते हैं कि इसका टेक्सटाइल क्या है। सो पॉपिंस 12 एंड मीडियम, तकरीबन ये सेम फॉन्ट है इसका, तो हमने यहाँ पर जो यूज़ किया था यूजर नेम डॉट टेक्सटाइल, उसका कलर हम चेंज कर देंगे। सो यूजर नेम, सॉरी, यूजर नेम टेक्सटाइल डॉट कॉपी विद एंड उसका कलर हम चेंज कर देते हैं, सही। सो आई थिंक टेक्स्ट भी हमारे पास हो गया है। अब इसमें एक और बात है, अगर आप लोग देख लें, ये अलाइनमेंट का थोड़ा सा है, यहाँ पर देख लें बिल्कुल बॉटम अलाइन है इसके साथ, सही है, जबकि हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर अलाइन आ रहा है, सही है। सो दैट्स वाई कॉलम का जो क्रॉस एक्सिस है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्रॉस, नो, सो दैट नॉट कॉलम, रो का, सो रो जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है रो की, क्योंकि रो की क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट वो सेंटर होती है, सो दैट्स व्हाई क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट बॉट, सॉरी एंड,
ये देख लें, असल में ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये जब आप एक्चुअल एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू मिस इट आउट. सो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन ये एक रो हमारे पास रेडी है, सही. अब हमने चूंकि तीन रोज यूज करना है, 1, 2, 3, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कस्टम कर लेते हैं, इसको हम कस्टम विजेट बना लेते हैं, सही है. सो हियर वी हैव कस्टम विजेट्स, इसको हम एक और कस्टम विजेट बनाते हैं, प्रोफाइल रो कर देते हैं, सही है, प्रोफाइल टैब रो, ये इसको प्रोफाइल टैब कर देते हैं जस्ट. इम्पोर्ट मटीरियल, फाइल टैब, इन दो फाइल्स को यहां पर इंपोर्ट कर लेते हैं, सही. जस्ट इसको हम आइकन्स पास कर देंगे, ये आइकन, ये टेक्स्ट, और बाकी ये तो ऑलरेडी एग्जैक्टली सेम है. सो आइकन जो है, आइकन का जो टाइप होता है, ये हमारे पास एक्चुअली होता है आइकन डेटा. सो आइकन डेटा में हम आइकन पास करते हैं एंड देन स्ट्रिंग टेक्स्ट, इसको हम फाइनल कर देते हैं क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं करना. एंड प्रोफाइल टैब, इसको हम करते हैं दिस डॉट आइकन एंड दिस डॉट टेक्स्ट. ओके, सो दिस डन. नाउ अब यहां पर आके इसके बजाय हम क्या यूज कर देते हैं, प्रोफाइल टैब, प्रोफाइल टैब, एंड इसमें हम आइकन देते हैं इसको आइकन, एंड आइकन में आइकॉन्स डॉट लोकेशन, चलिए ये वाला आइकन बेहतर है उससे, 8 लोकेशन वाला, एट लोकेशन का आइकन, एंड देन टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा. यहां पर क्या है, मैनेज एक्सेस है फर्स्ट, मैनेज एड्रेस, ये चेंज नहीं हुआ, सो चेंज इस वजह से नहीं हुआ कि यहां पर हमने ये डॉलर टेक्स्ट एंड देन यहां पर हम क्या देंगे इसको, आइकन. सो ओके, गलत जगह पे दे दिया इस आइकन को. सो दैट्स हाउ द फर्स्ट वन इज डन, सही. सो फर्स्ट वन हमारे पास हो गया डन, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे ये लाइन जो है, सही है. सो ये लाइन भी हमारे पास एक विजेट ऑलरेडी मौजूद है फ्लटर में, सही है. तो इसको हम बोलते हैं डिवाइडर, डिवाइडर का विजेट हमारे पास ऑलरेडी है इसमें, सही है. अब डिवाइडर में हमारे पास जो इंटरनली इसमें इसकी थिकनेस भी है, इसका कलर भी है, सही है. सो राइट नाउ इसको हम देखते हैं, अगर इसकी फिटिंग सही नहीं है तो ये असल में बहुत कम जो है ना वो काफ़ी लाइट लग रहा है, तो इस वजह से हम इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं. थिकनेस को हम कर देते हैं 1, सही है. सो आई थिंक 1 इज इनफ. एंड प्रोफाइल टैब हम दोबारा यूज कर लेते हैं यहाँ पर, एंड देन द डिवाइडर एज वेल, सही. अब अगर देख लें यहाँ पर कुछ स्पेसिंग है टॉप एंड बॉटम पे इस रो की, सही है. तो इसको हम कुछ स्पेसिंग दे देते हैं, ये 28 है, इसके साथ चेक करते हैं, ये 25 इज एनफ, सही है. सो यहाँ पर हमने जो रो यूज किया है उसको हम कुछ स्पेसिंग दे देते हैं टॉप से. सो वेयर इज प्रोफाइल टैब, यहाँ पर ये रो था, इसको हम पैडिंग दे देते हैं ताकि वहां पर हमें बार बार फिर पैडिंग देनी ना पड़े, सही है. सो दैट्स व्हाई वी आर एडिंग ओनली हियर. सो टॉप इज 25, एंड देन बॉटम पे भी हमारे पास है तकरीबन दैट्स 18, सो लेट्स मेक इट 15 बॉटम पे. So I think it looks better.
इसमें ऑलरेडी कोई थोड़ी बहुत पेंटिंग इंटरनल भी मौजूद है, सो दैट्स व्हाई। और यहाँ पर भी इसको हम 25 के बजाय इसको हम कर देते हैं 18। ओके सो आई थिंक दिस डिजाइन लुक्स परफेक्ट नाउ। हम वंस मोर यूज कर लेते हैं इसको एंटोन एक्स एंड देन लॉगआउट का बटन है। सो ये डिजाइन हमारे पास यहां तक बन गया है। जस्ट इसको अगर आप चेंज करना चाहें अपडेट इंफॉर्मेशन अपडेट इंफॉर्मेशन हमारे पास आइकन चेंज है। सो आइकन को अगर आप लोग चेंज करना चाहें आइकन्स डॉट ये कुछ फाइल टाइप है चलिए हम ये वाला कर देते हैं एंड ये आइकन है तो ये स्टार कर लेते हैं इसको। आइकॉन्स डॉट अगर आपका सिस्टम अच्छा है और उस पर लोड नहीं है तो ये काफी जल्दी आ जाते हैं आइकन्स। अब मेरा सिस्टम असल में थोड़ा अच्छा है बट एनी हाउ यहाँ पे इस पर काफी लोड है राइट नाउ सो दैट्स व्हाई। सो ये स्क्रीन हमारा तकरीबन बन गया है। जस्ट एक लॉगआउट का बटन है वो लॉगआउट हम यहाँ पे बना लेते हैं। जस्ट एक टेक्स्ट विजेट है एंड लॉग आउट इसकी स्टाइलिंग क्या है 12 मीडियम एंड पॉपिंस सही है। सो तकरीबन यही सेम कलर यूज हो सेम फोन स्टाइल यूज होगा। यहां से यूजर नेम भी हमने यूज किया था यूजर नेम सॉरी स्टाइल यूजर नेम टेक्स्ट स्टाइल डॉट कॉपी विद एंड कलर हमारे पास हो जाएगा ब्लू थीम। अब ये अगर ब्लू थीम कलर को आप लोग देख लें हमने काफी ज्यादा जगहों पे ब्लू थीम कलर कलर यूज किया हुआ है तो हमने वहां पर उसको डिफाइन किया। जैसे हम यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं तो हमारे पास कलर ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो ये जरूरी है सही है। अब इसको हमने अलाइन करना है लेफ्ट पे क्योंकि हमने ये इस कॉलम के अंदर यूज किया है तो ये कॉलम बाई डिफॉल्ट सेंटर अलाइन होता है क्रॉस एक्सिस में सही है। सो इसका हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कर देते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट एंड देन इसको यहाँ पे एक साइज बॉक्स लगा देते हैं हाइट एंड हाइट इसको। सो ये हो गया हमारा ये डिजाइन कंप्लीट। यहाँ पर आपको जो ये वाइजर के फोन पे नजर आ रहा है ये थोड़ा क्लियर नहीं है एग्जैक्टली थोड़ा सा पिक्सल उसके थोड़े सही नहीं आ रहे बट एक्चुअली जो फोन पे एग्जैक्टली यहाँ पर मेरे पास नजर आ रहे हैं वो काफी क्लियर है। सो दैट्स ऑल आवर डिजाइन। सो वी आर मोस्टली डन विद द डिजाइन वर्क ओवर हियर इन दिस एप्लीकेशन एंड राइट नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम एंड आफ्टर दैट we are going to move to connecting these screens together ki hum ek screen se dusre screen pe kaise jayenge to ye sari cheeze abhi yahan par humne isko connect karna hai aapas mein. So if you have any questions are most welcome sahi hai yahan par main dekhta hu agar kisi ke question hai should have jpeg or png okay. So agar question hai to questions aap log kare otherwise hum next badhte hain iske jo dusra section hai us pe. I think no one having any question. So let's start with connecting these screens. Okay. Acha. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एप्लीकेशन का फ्लो देखते हैं। यहाँ पर इस एप्लीकेशन अगर आप में से किसी ने एसडी यूज किया है या नहीं किया
यहाँ पर इसको मैंने वायर फ्रेम किए हुआ है, आपस में कनेक्ट किए हुए हैं मल्टीपल स्क्रीन को, तो मतलब इस स्क्रीन से हमने इस स्क्रीन पे आना है एंड देन इस स्क्रीन पे जब क्लिक होगा यहाँ पर रजिस्टर बटन पे हमने यहाँ पे आना है एंड देन यहाँ से लॉग इन होने के बाद हमने यहाँ पर आना है, सही है। तो एक्चुअली लॉग इन है जो चीज़ है इंटरनली इसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया राइट नाउ, बट एनी हाउ हम जैसे इसको सेमुलेट करेंगे, सही है। सो हम इसको देखते हैं कि लेट्स सपोज मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आएंगे हम, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमने स्क्रीन पे आना है एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम उस स्क्रीन पे जाएंगे, सही है। एंड देन लॉगआउट का बटन है तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, सॉरी लॉगआउट बटन को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, सही है। सो लॉगआउट पे जब होगा क्लिक तो हमने वापस स्प्लैश स्क्रीन पे आना है, सो लॉगआउट पे, सही है। सो यहाँ से यहाँ एंड देन दिस वन एंड दिस वन एंड देन दिस वन, सही है। सो ये फ्लो अभी हमने बनाना है, सही। तो अभी हम आते हैं इस पे नेविगेशन पे, सही। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा स्प्लैश स्क्रीन कौन सा होना चाहिए, जो फर्स्ट फर्स्ट स्क्रीन होम स्क्रीन है वो हमने रखना है स्प्लैश स्क्रीन। सो यहाँ पे हम जाएंगे स्प्लैश स्क्रीन पे डायरेक्टली, सही है। जब हम स्टार्ट करेंगे ना अपने एप्लीकेशन को तो हमने जाना है स्प्लैश स्क्रीन पे, ओके। जब हम स्प्लैश स्क्रीन पे जाएंगे तो स्प्लैश स्क्रीन से फिर हमने कहां पर जाना है, मूव करना है हमने जो रजिस्टर स्क्रीन है उस पे। तो उसके लिए अब यहां पर अभी तक हमने जो स्टेटलेस विजेट यूज किया हुआ है, अच्छा अगर आपको याद हो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जब स्प्लैश स्क्रीन आता है तो स्प्लैश स्क्रीन कुछ टाइम के लिए हमारे पास होता है स्क्रीन पर, सही है। यहाँ पर आपको मैं कोई एक सही एप्लीकेशन ओपन कर दूँ, लेट्स ओपन ट्रिपमेट एप्लीकेशन, सही है। अब ट्रिपमेट का जो एप्लीकेशन है ये देखिए, ये आप स्प्लैश स्क्रीन कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाते हैं, सही है। सो ये फीचर हमने इसमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हम जब स्प्लैश स्क्रीन पर आएंगे हमने इस स्क्रीन पर कुछ थोड़ा सा वेट करना है एंड उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्क्रीन हमारा होगा, लेट सपोज होम स्क्रीन है या कोई भी स्क्रीन है, उस पर हमने कैसे जाना है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्टेटलेस से कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास मैक है तो आप जो है ना अल्ट इंटर यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास विंडोज सिस्टम है तो उसके लिए भी ये शॉर्टकट कमांड मौजूद है, आप यूज कर सकते हैं इसको, सही है। अल्ट इंटर, सो ये हो जाएगा कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजिट। अब इसको हमने स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको याद हो मैंने इनिशियली बात की थी स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट्स की, तो स्टेटलेस विजिट में हमारे पास जो सिंपल कॉल बैक है वो हमारे पास जस्ट बिल्ड का फंक्शन होता है, सही है। स्टेटफुल विजिट में हमारे पास एक और कॉल बैक होता है जिसको हम बोलते हैं इनिट, सही है। इनिट का जो कॉल बैक है वो हमारे पास एक्चुअली इसका जो लाइफ साइकिल है, स्टेटफुल विजिट का जो लाइफ साइकिल है, स्टेटफुल विजिट लाइफ साइकिल इन फ्लट, अब ये देखें इसका जो लाइफ साइकिल है इनिशियली ये होता है, हमारे पास जो फंक्शन इसमें जो कॉल बैक फंक्शन है वो कॉल होते हैं एक विजिट के अंदर, सही है। जब विजिट एक क्रिएट होता है उसमें डिफरेंट कॉल बैक फंक्शन है वो वन बाय वन कॉल होते हैं, सही है। जो फर्स्ट फंक्शन कॉल होता है वो हमारे पास एक क्रिएट स्टेट का फंक्शन एंड देन उसके बाद हमारे पास इनिट का फंक्शन कॉल होता है एंड देन हमारे पास बिल्ड का फंक्शन एंड देन डिड अपडेट सेट स्टेट डीएक्टिवेट डिस्पोज, सही है। तो ये डीएक्टिवेट और डिस्पोज जो है ये जब हम स्क्रीन को डिस्पोज करते हैं तो हमारे पास ये तब उस मतलब हम स्क्रीन को क्लोज करते हैं तो हमारे पास ये दोनों फिर कॉल बैक्स कॉल होते हैं, सही है, डीएक्टिवेट एंड डिस्पोज, सही है। तो ये जो कॉल बैक्स हैं इसमें हम कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, सही है। लेट्स सपोज इनिट स्क्रीन, अब इनिट का फंक्शन जो है ये बिल्ड से पहले कॉल होता है, सही है। तो बिल्ड से पहले मोस्टली स्क्रीन पे हमने क्या करना होता है, लेट्स सपोज हमने कुछ डेटा फेच करना है डेटाबेस से, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस का जो फंक्शन है वो इसमें कॉल करते हैं इनिट के फंक्शन में, सही है। तो इनिट का फंक्शन फर्स्ट कॉल होता है तो वो डेटा उसमें आ रहा होता है, सही है। जब डेटा आ जाता है तो बिल्ड के अंदर हम उस डेटा को डिस्प्ले कर देते हैं। सो दैट्स हाउ दिस कॉल बैक्स वर्क, सही है। तो इनिट हमारे पास पहले कॉल होता है उसके बाद हमारे पास बिल्ड का फंक्शन कॉल होता है, सही है। अगर आपको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूं, यहाँ पे मैं करता हूँ ना एट इनिट, सही है। स्क्रीन को मैं दोबारा से रीरन करता हूँ तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, सही है। प्रिंट करते हैं यहाँ पर एट बिल्ड, इसको मैं क्लियर करता हूँ, इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ। तो
अभी आपको यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास फर्स्ट इनिट कॉल होता है, उसके बाद हमारे पास बिल्ड का फंक्शन कॉल होता है। सही है, ये देख लें, फर्स्ट इनिट का फंक्शन कॉल हुआ है एंड देन उसके बाद बिल्ड का फंक्शन कॉल हुआ है। सही है, एंड बिल्ड के बाद हमारे पास फिर ये सिट स्टेट का फंक्शन कॉल होता है। सही है, आपको ये भी मैंने स्टार्ट में बताया, जब हमारे पास सिट स्टेट का फंक्शन कॉल होता है, जब हम सिट स्टेट को कॉल करते हैं तो क्या होता है, उससे ये बिल्ड का फंक्शन दोबारा से कॉल होता है। सही है, तो अगर हमने कोई डेटा अपडेट करना है यहाँ पर स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट में, और ये चीज़ें हमने जो क्विज हमने एक क्विजलर बनाया था, क्विज ऐप जो हमने बनाया था, उसमें ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जब हम सिट स्टेट का फंक्शन कॉल करते हैं तो ये बिल्ड का फंक्शन, उससे हमारा जो इंटरनल स्टेटफुल विजिट जो है उसका स्टेट जो है ना अपडेट होता है। जब हमारे पास स्टेटफुल विजिट का जब स्टेट अपडेट होता है तो हमारे पास ये बिल्ड का फंक्शन दोबारा से कॉल होता है। सो दैट्स व्हाई ओवर हियर यू कैन सी कि बिल्ड का फंक्शन फर्स्ट कॉल होता है एंड देन जब स्विच स्टेट कॉल होता है उसके बाद बिल्ड दोबारा से कॉल होता है। सही है, सो हमने इनिट में क्या करना है, हम इनिट में यहाँ पर लेट्स सपोज हम यहाँ पर कुछ वेट वेट कराते हैं उसको। सही है, तो यहाँ पर मैं वेट डालता हूँ फ्यूचर डॉट डीले, इस तरह हम डिले डाल सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। सही है, अब फ्यूचर हमारे पास क्या है, फ्यूचर को इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीक का जो सेशन है उसमें हमारे पास ये सारे टॉपिक्स मौजूद है, फ्यूचर अवेट ये सारी चीज़ हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मौजूद है। सही है, बट राइट नाउ आप जस्ट ये प्रोसेस जो है ना ये समझ लें, राइट नाउ से अपने जहन में जस्ट रख लें कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। सही है, फ्यूचर डॉट डिलेड एंड यहाँ पर मैं ड्यूरेशन दूंगा कि कितने टाइम के लिए हमने डिले रखना है इसमें, तो मैं सेकेंड्स रखता हूँ, सेकेंड इसको मैं रखता हूँ 2 seconds एंड देन जब ये 2 seconds के बाद कंप्लीट होगा तो तब हम इस फंक्शन पे आएंगे। सही है, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगाता हूँ। सही, अब होगा क्या, यहाँ पर जस्ट ये होगा कि 2 seconds का वेट होगा, जब वेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा काम किया हो तो उसको ये देन का फंक्शन का पता होगा। सही है, तो मतलब फ्यूचर डॉट डिले 2 seconds का वेट होगा यहाँ पर एंड देन ये फंक्शन कॉल होगा हमारे पास, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पर ये फंक्शन की बॉडी रखी हुई है। सही है, सो ये फंक्शन हमारे पास देन कॉल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं नेविगेटर लगाता हूँ, नेविगेटर डॉट पुश, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर हम देते हैं मटेरियल। अब ये सारी चीजें मैं दोबारा से यहाँ पर आके डिस्कस करूंगा, बट फर्स्ट आपको मैं समझा दूं, बिल्डर में हमारे पास यहाँ पर होता है कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पर हम स्क्रीन का नाम देते हैं। सही है, स्क्रीन की क्लास, सो हमने करना है रजिस्टर स्क्रीन पे जाना है। ओके, सो ये हमारा हो गया है। अब अगर इसको मैं दोबारा से रीस्टार्ट करता हूं, आप लोग देख रहे हैं यहां पर, सो अभी हम इस विजिट में हैं, दोबारा से यहां पर आए, 2 seconds का वेट एंड 2 seconds के बाद हमने जाना है नेक्स्ट नेक्स्ट रजिस्टर स्क्रीन पे। इट शुड गो टू रजिस्टर स्क्रीन बट why is it going? ये splash screen है and future dot delay. After 2 seconds delay. ये कॉल नहीं हो रहा, फ्यूचर डॉट डिलेड। ओके, सो एक मिनट, हमारे पास इसका एक और हल भी है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसको हम वहां पर रख सकते हैं। सो राइट नाउ
लेट्स सपोज अगर आपने कोई स्पेसिफिक काम करना है, अगर आपको इस सेंटेक्स की राइट नाउ समझ नहीं आ रही तो फॉर नाउ आप इसको स्किप कर दें, ये जो पूरा सेंटेक्स है आपने जस्ट समझना है ये सेक्शन, सही है, कि इस सेक्शन का काम क्या है। ये सेक्शन जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जस्ट हमने राइट नाउ ये सेक्शन समझना है। सो इसको मैं दोबारा से रीरन करता हूँ। होता असल में यहाँ पर क्या है कि 2 सेकंड का वेट होता है, एंड 2 सेकंड वेट करने के बाद हमारा ये फंक्शन कॉल होता है, सही है। सो ये फंक्शन क्या करता है, ये हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट कर देता है। अच्छा अब आते हैं डिस्कस करते हैं थोड़ा सा नेविगेशन के बारे में, सही है। यहाँ पर फ्लटर में हमारे पास ये है कि नेविगेशन के लिए हम जो जो एक क्लास यूज करते हैं वो हमारे पास है नेविगेटर, सही है। अब नेविगेटर में हमारे पास बहुत सारे कॉल बैक्स फंक्शन, सॉरी बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो मौजूद है, बहुत बहुत सारे मेथड्स हैं उसके लिए नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए, सही है। अगर आपने जस्ट नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है तो हम क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश, एंड उसके बाद यहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट देंगे, सही है, जो आप करंट स्क्रीन में है ना उसकी स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट, सही है। अगर आपके पास स्टेटफुल विजिट है तो आप कहीं पे भी कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर दें, कॉन्टेक्स्ट लिख दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, सही है। अब नेक्स्ट हमने उसको देना होता है यहाँ पर एक राउट, ये इसको अगर आप लोग देख लें, इसमें हमारे पास एक चाहिए होता है, इसको एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट चाहिए एंड देन उसको एक राउट चाहिए, सही है। तो राउट के लिए हमारे पास बहुत सारे विजिट्स और भी हैं, हमारे पास कैपुचिनो राउट भी है, बट राइट नाउ जस्ट हम मटेरियल पेज राउट यूज करेंगे, सही है। तो राउट के लिए हमारे पास एक क्लास है मटेरियल पेज राउट, सही, तो उसके बाद हम मटेरियल पेज राउट का विजिट यूज करेंगे, सही है। इसको मैं दोबारा से आ जाऊँ, दोबारा से मैं स्टार्ट से इसको मैं दोबारा से लिख लूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। यहाँ पर अब इसको दो दो पैरामीटर्स चाहिए, सही है, एक इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो इसको मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, सही। एंड देन इसको जो नेक्स्ट चीज चाहिए यहाँ पर वो है राउट, सही है। तो राउट के लिए आप मतलब यहाँ पर हमारे पास देखें, यहाँ पर कैपुचिनो राउट भी होंगे बट मैंने अभी तक यूज नहीं किया उसको, कैपुचिनो राउट, ये देखें कैपुचिनो पेज राउट भी है, सही है। बट कैपुचिनो पेज राउट जो है, जब हम यहाँ पर अगर आपने मटेरियल पेज राउट यूज किया हुआ है तो बेहतर ये कि आप यहाँ पर सॉरी हमने यहाँ पर मटेरियल ऐप यूज किया हुआ है, सो वो जो हमारे पास नेविगेटर है तो वो भी हमने मटेरियल पेज पेज का नेविगेटर हमें मिलता है, सही है, जो एंड्रॉइड का है, एंड्रॉइड का जो सिस्टम है उससे मिलता है। तो बेहतर ये कि आप मोस्टली यहाँ पर क्या यूज करें, मटेरियल पेज राउट यूज करें, सही है। सो मटेरियल पेज राउट में क्या होता है, इसमें एक बिल्डर मौजूद है, उस बिल्डर में हम क्या करते हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं एंड इससे हम रिटर्न करते हैं जो हमारे पास पेज है, सही है। तो आप जस्ट यहाँ पर वो स्क्रीन का नाम मेंशन करते हैं, सही है, स्क्रीन नेम। सो यहाँ पर मैंने क्या, कौन सा स्क्रीन मेंशन किया था, रजिस्टर का स्क्रीन, इसको मैं दोबारा से रिस्टार्ट करता हूं। तो 2 सेकंड का वेट होता है एंड इसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाते हैं, सही है। सो दैट्स हाउ यू कैन पुश स्क्रीन, सही है। अब इसका मतलब एग्जैक्टली हमारे पास सेम है, जिस तरह हमारे पास स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर है ना, स्टैक, तो स्टैक में क्या होता है, आपके पास ये जो आपके राउट्स के डिफरेंट पेजेस हैं, ये हमारे पास नेविगेटर में हमारे पास स्टैक होता है तो स्टैक में आ रहे होते हैं, सही है। तो अगर आपने लेट सपोज एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाना है, मतलब तो हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट स्क्रीन को पुश करते हैं नेविगेटर पर, नेविगेशन का जो स्टैक है, सही है, एक नेक्स्ट स्क्रीन को पुश करते हैं। और लेट सपोज अगर आपने अभी हम रजिस्टर स्क्रीन पे चले गए हैं ना, तो लेट सपोज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से अगर वापस बैक जाना है हमारे पास जो स्क्रीन था, लेट सपोज हमारे पास ये कस्टम ब्लू बटन है ना, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें एक ऑन प्रेस्ड का फंक्शन में डाल देता हूँ। ओके राइट नाउ इसमें कोई ऑन प्रेस्ड का फंक्शन नहीं है, सो उसमें भी ऑन प्रेस्ड का फंक्शन भी हमें डालना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर कोई बटन अगर मेरे पास हो ऑलरेडी सो उसी को मैं यूज कर लूँ। सो राइट नाउ यहाँ पर हमारे पास कोई बटन नहीं है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमने कुछ बटन बनाए थे, कस्टम राउंडेड बटन, कस्टम ब्लू बटन बनाया था। तो कस्टम ब्लू बटन में यहाँ पर मुझे एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए, जिसको मैं प्रेस करूँ तो मैंने कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो, सही, ऑन प्रेस। जैसे हमारे पास बटन है ना, तो बटन में हमारे पास ऑन प्रेस का फंक्शन होता है, तो उसी तरह हम यहाँ पर भी ऑन प्रेस का फंक्शन बना सकते हैं, सही है। फंक्शन इसको मैं कर देता हूँ ऑन प्रेस्ड,
this dot on press. और यहां पर जब मैं इसको यूज करूंगा, सो यहां पर ऑन प्रेस के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? अच्छा, अब हमारे पास ये हमने कस्टम विजेट बनाया हुआ था ना, तो यहां पर हमने इस पे हमने यहां पर कोई फंक्शन नहीं डाला था प्रेसिंग का. जब इस पे प्रेस हो तो हमने कोई काम कर परफॉर्म करना, जैसे हमारे पास नॉर्मल बटन है उसमें हमारे पास ऑन प्रेस का फंक्शन होता है. सो इसमें भी हम ऑन प्रेस का डाल सकते हैं, सही है. तो लेट्स सपोज अगर आपने कोई कस्टम ऑब्जेक्ट या कस्टम विजेट बनाया हुआ है, तो अब जैसे उसको रैप कर दें एक और विजेट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं जेस्चर डिटेक्टर विजेट के अंदर. एंड जेस्चर डिटेक्टर में हमारे पास फिर फंक्शन है ऑन टैप, सही है. तो ऑन टैप में मैं क्या करता हूँ, ये सेम फंक्शन ऑन टैप को मैं पास कर लेता हूँ, सही है. ये ऑन टैप को मैं ये फंक्शन पास आउट कर देता हूँ, सही है. अब इस स्क्रीन पर आकर जो रजिस्टर स्क्रीन था, इसमें हमारे पास ऑन प्रेस भी है, सो उसको मैं यहाँ पर एक कॉल बैक पास कर देता हूँ, सही है. चलिए इसको थोड़ा सा और करते हैं. इसको हम क्या कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ नेम्ड आर्गुमेंट्स कर देता हूँ, तो ज़रा आसान हो जाएगा. ये हमारे पास हो जाएगा टेक्स्ट, और ये नेम्ड आर्गुमेंट्स और ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ. तो अगर किसी को फॉर टाइमिंग यहाँ से समझ नहीं आ रही, तो जो पिछले वीडियोस हमने किए थे फर्स्ट स्पेसिफिकली जो क्विज का एप्लीकेशन हमने बनाया था, उसमें ये सारी चीज़ें, ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स और नेम्ड आर्गुमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की थी. सो ये ऑन प्रेस्ट में आ गया है यहाँ पर हमारे पास. लॉगिन में भी यूज़ किया था, लॉगिन में हमारे पास कहाँ पर है उसको भी एडजस्ट करते हैं. टेक्स्ट एंड देन ऑन प्रेस था, तो ऑन प्रेस को हम एक फंक्शन पास कर देते हैं, सही है. प्रेस लॉगिन बटन प्रेस्ड. ओके, सो अभी ये बटन हमारे पास टैपेबल है. इसमें हम टैप करते हैं, देखिए रजिस्टर बटन प्रेस, सही है. तो लेट्स सपोज मैं स्प्लैश स्क्रीन से मैं अभी आ गया हूँ रजिस्टर स्क्रीन पे, सही है. सो यहां से मैं अभी आया हूँ रजिस्टर स्क्रीन पे, सही है. अब लेट्स सपोज इस बटन में मैंने क्या करना है, मैंने वापस पिछले स्क्रीन पे जाना है. तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे पास एक स्टैक का विजेट बनता है, तो स्टैक में क्या होता है, लेट सपोज यहां पर आपको मैं बता दूं स्टैक ऑफ बुक्स. अब ये देख लें, अगर हमारे पास ये स्टैक ऑफ बुक्स है, तो लेट सपोज हमारे पास स्टैक है, तो स्टैक का जो डेटा स्ट्रक्चर उसमें क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है. मतलब लीफो का वो उसमें आता है, लीफो एल्गोरिथम होता है उसमें. जो आइटम लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है, सही है. मतलब यहाँ पर टॉप पे जो बुक मैंने रखा हुआ है, तो मैं फर्स्ट आखिरी जो बुक मैंने टॉप पे रखा था, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो आखिरी वाला बुक उठाऊंगा ना जो टॉप पे है, सही है. सो स्टैक के आर्किटेक्चर में भी हमारे पास सेम होता है. स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, सही है. तो स्टैक में हमारे पास क्या होता है, जो हम जस्ट पुश करते हैं टॉप पे, सही है, और टॉप से ही हम उसको पॉप करते हैं, सही. तो जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट भी होता है, सही. तो यहाँ पर हमारे पास नेविगेशन में भी एग्जैक्टली सेम है. तो नेविगेटर डॉट पुश करते हैं हम, एक स्क्रीन पुश करते हैं नेविगेटर पे, सही है. और अगर हमने उस स्क्रीन को पॉप करना है, मतलब उस स्क्रीन को हमने क्लोज करना है, तो जैसे उनको क्या करते हैं, नेविगेटर डॉट पॉप करते हैं. तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम सीन है. लेट सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शनलिटी ये डाल देता हूँ कि मैं जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करूं, तो मैं वापस जो पिछला स्क्रीन था उस पे चले जाऊं, तो नेविगेटर डॉट पॉप, नेविगेटर डॉट पॉप, उसमें आप कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं सिंपल, सही है. तो लेट्स सपोज हमने किसी स्क्रीन को, बस जस्ट हमारे पास स्टैक का आर्किटेक्चर है, हमने जस्ट स्क्रीन को पुश करना है एंड देन उसको पॉप करना है. इसको मैं रिस्टार्ट कर लेता हूं. अभी हम स्प्लैश स्क्रीन पे आ गए हैं, अभी ये चला जाएगा. अपने इसने एक स्क्रीन पुश कर दिया है, रजिस्टर स्क्रीन. अगर हमने उसको पॉप करना है, तो ये वापस बैक स्क्रीन पे चला जाएगा, सही है. ये देखें, ये वापस बैक स्क्रीन पे चला गया है, सही.
this is how it works. So navigator ke jo main do jo do methods hain jo hum bahut zyada use karenge wo hamare paas hai navigator.push and navigator.pop. sahi hai. ab yahan par humne chunke yahan par nahi jana, hum kya kar lete hain navigator, let's suppose hum is pe click karte hain na register pe, to hum chahte hain ki navigator pe sorry register pe click karne ke baad humne kahan par jana tha, हमने जाना था होम स्क्रीन, होम स्क्रीन नहीं बल्कि हम होम स्क्रीन पर नहीं है तो हम इसको प्रोफाइल स्क्रीन कर देते हैं. तो मटेरियल पेज राउट देंगे इसको, सही है, मटेरियल पेज राउट एंड इसमें अंदर बिल्डर होता है, सेंड बिल्डर में हम इसको देते हैं कॉन्टेक्स्ट एंड उसके बाद ये हो जाएगा प्रोफाइल स्क्रीन पे चले जाते हैं यहाँ यहाँ से हम. तो इसको हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर, इसको रीस्टार्ट करते हैं. सो ये स्प्लैश स्क्रीन एंड स्प्लैश स्क्रीन से फिर हम आ गए हैं रजिस्टर स्क्रीन पे एंड रजिस्टर स्क्रीन पे जब हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हम कहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पे हम आ रहे हैं, सही है. सो लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद हम कहाँ पर आना चाहिए, हमें वापस हमें रजिस्टर स्क्रीन पे आना चाहिए. सो दिस इज हाउ, ये थोड़ा बहुत आपको मैंने नेविगेशन का बता दी कि हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे किस तरह हम जा सकते हैं. बाकी इसमें कुछ और कंस्ट्रक्टर्स हैं, उससे भी अभी आपको मैं बता देता हूँ. यहाँ पर अभी तक हमने जस्ट पुश यूज किया है, सही है. अगर आप लोग देख लें, अभी आपको मैं दोबारा से बता दूँ कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर लेट सपोज ट्रिप मेट का एप्लीकेशन है, उसको मैं दोबारा से ओवर करता हूँ. सो यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन था, स्प्लैश स्क्रीन के बाद फिर यहाँ पर स्क्रीन में आ गए हैं, सही है. अब इसमें वापस हम जब बैक पे क्लिक करते हैं ना तो हम वापस स्प्लैश स्क्रीन पे नहीं जाते हैं, सही है, क्योंकि अक्सर जब स्प्लैश स्क्रीन एक बार आ जाता है तो हम फिर दोबारा स्प्लैश स्क्रीन पे फिर जा नहीं सकते, सही है. और ये हमारे पास मोस्टली ये हर एक एप्लीकेशन में मतलब यही होता है कि आप स्प्लैश स्क्रीन पर वापस बैक बटन पर नहीं जा सकते, सही है. तो अगर हमने जस्ट स्प्लैश स्क्रीन पे सॉरी जो नेक्स्ट स्क्रीन है उससे हमने फिर वापस बैक स्क्रीन पे जाना नहीं चाहते तो हम क्या कर देंगे, जो पिछला जो स्टैक था उस स्टैक को हमने जस्ट क्लियर कर देंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जो बैक का जो स्क्रीन था उस पर हम नहीं जा सकेंगे. सो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर वो फंक्शनलिटी डाल देता हूं, पुश एंड रिमूव अंटिल, सही है. तो रिमूव अंटिल में आप जस्ट यहां पर अपना राउट दे दें जिस राउट पे आपने जाना है और जो नेक्स्ट का ये जो सेक्शन है उसको हम जस्ट फॉल्स रखते हैं. तो इससे क्या होता है, हम स्क्रीन पे चले जाते हैं और ये क्या कर देता है, बाकी जो पिछले जितने भी स्क्रीन्स थे मतलब स्टैक जो था, लेट्स सपोज ये हमारे पास स्टैक है ना, तो हमने एक नया नया ऑब्जेक्ट पुश किया है और नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना सबको हमने रिमूव कर दिया है, सही है. स्टैक हमने मुकम्मल क्लियर कर दिया है, सही है, मतलब एम्प्टी स्टैक नहीं बल्कि हम जस्ट एक पुश किया है और बाकी जितने भी थे ना सबको हमने रिमूव कर दिया है यहाँ से. सो जब मतलब स्टैक से जब वैल्यूज रिमूव हो जाएंगे, जब हम फिर पॉप करेंगे तो पॉप से क्या होगा, जस्ट हमारा एप्लीकेशन क्लोज होगा, सही है. जो पिछले तक अब स्टैक में हमारे पास कोई और स्क्रीन है नहीं, सो दैट्स व्हाई वी वॉन्ट बी एबल टू गो टू द बैक स्क्रीन. सो दिस इज हाउ, अगर आपने रखना है कि आप पिछले स्क्रीन पे फिर वापस ना जा सकें, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. पुश एंड रिमूव अंटिल का जो कंस्ट्रक्टर है फिर हमने वो यूज करना है. So restart. हम यहाँ पर स्क्रीन पे आ गए हैं. सो अब हम इसकी जो मेन फंक्शनलिटीज हैं वो फाइनल करते हैं. तो जब हम रजिस्टर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमें होम स्क्रीन सॉरी प्रोफाइल स्क्रीन पे जाना चाहिए एंड जब फिर बैक पे क्लिक करेंगे तो बैक पे फिर हम यहाँ पर आएंगे वापस. सो हम क्या करते हैं, स्प्लैश स्क्रीन एंड रजिस्टर स्क्रीन तो हो गया है, हम वहां पर जा रहे हैं. ओके सो यहाँ पर जब मैंने पुश एंड रिमूव अंटिल डाल दिया है ना तभी इसको जरा देखते हैं. अब जब मैं बैक पे क्लिक करूंगा ना बैक पे, तो ये बैक पे नेक्स्ट स्क्रीन जो पिछला स्क्रीन था वो उसमें नहीं जाएगा क्योंकि उसने स्टैक से रिमूव कर दिया उसको. सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट गोइंग टू द स्क्रीन अवेलेबल इन द बैकग्राउंड, सही है. तो नेविगेशन स्टैक जब क्लियर होगा तो हमारे पास नेविगेशन स्टैक में फिर कोई और स्क्रीन होगा नहीं. सो दैट्स व्हाई अगर आप पॉप करते हैं
तो पॉप से जस्ट क्या होगा, आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, पिछला आपके पास कोई स्क्रीन अवेलेबल नहीं होगा। इसमें और भी फंक्शनलिटीज आप डाल सकते हैं कि जब नेविगेशन स्टैक आपका मुकम्मल खाली हो और आप जब बैक पे क्लिक करें तो आप उसको जस्ट एक अलर्ट डायलॉग शो करें कि डू यू वांट टू क्लोज दिस एप्लीकेशन और नॉट। तो वो ऑप्शंस फिर आपके पास हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं, बट राइट नाउ अभी उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे जाके किसी किसी पॉइंट पे इंशाल्लाह अगर मौका मिला उसको यूज करेंगे। सो नेविगेट डॉट पुश एंड रिमूव अनटिल भी हमने डिस्कस कर दिया है, और नेविगेशन डॉट पुश भी हो गया, नेविगेशन डॉट पॉप भी हो गया है, और यही मोस्टली हम मतलब यही यूज करते हैं। बाकी अगर आप कोई स्पेसिफिकली कोई एडवांस का आपने कुछ यूज करना है तो फिर वो हम यूज केस के मुताबिक देख सकते हैं, बट राइट नाउ इनिशियली बेसिक फंक्शनलिटीज के लिए आई थिंक ये नेविगेशन के बारे में दैट्स एनफ राइट नाउ। सो हम जस्ट स्क्रीन को आपस में कनेक्ट करते हैं। जब लॉग इन पे हमारा क्लिक हो जाए, लॉग इन जो है तो यहाँ पर हमने लॉगिन डाला हुआ था यहाँ पर, सो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमने कहाँ पर जाना है, सो दैट स्प्लैश स्क्रीन एंड रजिस्टर के बाद हमारे पर यहाँ पर ओके हमने यहाँ पर टेक्स्ट पेन डाला था, बट यहाँ पर इसमें हमें चाहिए कि इसको हम क्या कर दें, इसमें हमें क्लिक करना है, तो हम क्या करते हैं इसको भी एक जिससे डिटेक्टर में रैप कर लेते हैं। जिससे डिटेक्टर एंड ऑन टैप हमने कहां पर जाना है, नेविगेटर डॉट पुश एंड नेविगेटर डॉट पुश से हमने जाना है लॉगिन स्क्रीन पे, सही है। तो इसको देंगे कॉन्टेक्स्ट और मटेरियल पेज राउट बिल्डर, बिल्डर में हमारे पास होता है कॉन्टेक्स्ट, अब यहाँ पर हम उसको देंगे स्क्रीन का नाम, सही है। अब ये काफी बड़ा सिंटैक्स है, बट इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, सही है, और ये आपको याद होना चाहिए, सही, क्योंकि बार बार आप इसको जाके पिछले स्क्रीन से देखेंगे तो फिर आपका जो है ना वो डेवलपमेंट जो टाइम है एक ऐप को डेवलप करने के लिए तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा। इस पर भी हमने जैसे डिटेक्ट लगा दिया, तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमने लॉगिन स्क्रीन पे आना है, सही है। अब जब लॉगिन स्क्रीन पे हम जो ऑन प्रेस का बटन है जब उस पर प्रेस होगा तो हमने कहाँ पर जाना है, हमने जस्ट लॉगिन स्क्रीन है तो लॉगिन स्क्रीन में हम प्रेस जब इस पे क्लिक होगा तो हमने जाना है होम स्क्रीन पे। तो यहाँ से मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, बार बार लिखना मुश्किल हो जाएगा, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसके शॉर्टकट्स भी हैं, इसको मतलब हम बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, ये मटेरियल पेज राउट को ना अब ओके इसमें कुछ और भी हमारे पास फीचर्स हैं, बाय नेम, पुश बाय नेम एंड दो चीज़ें जो है ना, बट उसको हम डिस्कस करेंगे खैर, लेकिन जब आगे किसी पॉइंट पे जाके नेक्स्ट एप्लीकेशन में मैं उसको अभी हम जस्ट पुश कर रहे हैं ना, तो पुश बाय नेम को भी मैं डिस्कस कर लूँगा कि पुश बाय नेम आप किस तरह कर सकते हैं, हर एक स्क्रीन को नाम दे के उस नाम स्क्रीन का नाम जस्ट लगा के हम पुश कर सकते हैं। सो अब यहाँ से हमने जाना है कहाँ पर, ये लॉगिन स्क्रीन है, सो लॉगिन से हमने जाना है प्रोफाइल स्क्रीन पे, ओके सो लॉगिन, लॉगिन से हम प्रोफाइल स्क्रीन पे आ गए, सही है। सो लॉगआउट फिर हमने लगाना है यहाँ पर लॉगआउट पे, सो रजिस्टर स्क्रीन पे जब लॉगआउट पे क्लिक हो जाए तो हम कहाँ पे जाना चाहिए हमें, ओके लॉगिन का तो हो गया है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक जाते हैं। अब इसमें भी ये ओवरफ्लो का इशू आ रहा है, तो जब आपके पास ओवरफ्लो का इशू आ रहा हो जस्ट आप जो बॉडी है आपके पास स्केफल्ड की, तो उस बॉडी को जो है ना रैप कर लें जस्ट सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर, तो उससे ये होगा कि आपका जो स्क्रीन है वो स्क्रॉल होगा इंस्टेड ऑफ कि आपका स्क्रीन ओवरफ्लो हो जाए, सही। अब ये देखें जस्ट ये स्क्रॉल होगा, स्क्रॉल अप एंड डाउन होगा, अब स्क्रॉल नहीं हो रहा, देखें जब आप इसको क्लिक करते हैं जब आपके पास स्क्रॉलेबल एरिया होगा तब ये स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा, ओके अच्छा। अब हमारे पास लॉगिन का बटन भी हो गया, हम चाहते हैं कि जब हम रजिस्टर पे क्लिक करें
तो हम रजिस्टर स्क्रीन पे चले जाएं. सो रजिस्टर, वेयर इज रजिस्टर, सो हियर इट इज. इस पर भी हम रजिस्टर डिटेक्टर लगा देते हैं. सही है, ऑन टैप. तो हमने जाना है रजिस्टर स्क्रीन पे. सही, सो ये भी हो गया है. एंड देन अब प्रोफाइल का सेक्शन है, प्रोफाइल में लॉगआउट का बटन है. सो लॉगआउट में भी हम रजिस्टर डिटेक्टर लगा देंगे. एंड ऑन टैप, सो यहां पर हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो लेट्स सपोज चले हम लॉगिन स्क्रीन पे चले जाते हैं. सो यहां तक हमारा ये सारा एप्लीकेशन आपस में कनेक्ट हो गया है. रीस्टार्ट करते हैं इसको. स्प्लैश स्क्रीन, एंड स्प्लैश स्क्रीन के बाद हम यहां से, अगर आपका लॉगिन नहीं है तो लॉगिन पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको रजिस्टर करके आप स्क्रीन पे आ सकते हैं. जब लॉगआउट हो जाए तो लॉगआउट के बाद हमने कहाँ जाना है, लॉगिन स्क्रीन पे. सही है. अब यहाँ पर देख लें, जब हम लॉगआउट करते हैं तो लॉगआउट के बाद हम फिर वापस, हमें बैक नहीं जाना चाहिए ना इस स्क्रीन पे, इसका एक्सेस खत्म होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर पुश के बजाय हम क्या कर देंगे, पुश एंड रिमूव अनटिल. सही है, पुश एंड रिमूव अनटिल करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर राउट में हमने रिटर्न करना है जस्ट फॉल्स. सही है. अब इसको दोबारा से एक नजर देखते हैं, क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाए, कोई बंदा आपके एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाए तो उसको वापस ऐप के अंदर नहीं जाना चाहिए. सो दैट्स व्हाई अगर यहाँ पर मैं अभी लॉगिन हुआ हूँ तो लॉग आउट. अब जब मैं बैक पे क्लिक करूंगा तो वो वापस बैक पे नहीं जाएगा पीछे. सही है, क्योंकि उसने पीछे जो नेविगेशन का जो स्टैक था, जो स्टैक में जो स्क्रीन ऑलरेडी थी उसको ऑलरेडी रिमूव कर चुका है. सो दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू गो टू द बैक स्क्रीन. सो यहाँ तक हमारा ये एप्लीकेशन हो चुका है. जो इसमें काम रहता था वो हमने तकरीबन तकरीबन कंप्लीट कर दिया है. जो हमने डिसाइड किया था कि हम इसमें इतना काम करेंगे, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर फॉर द फर्स्ट सेशन. अभी हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसकी तरफ हम जाएंगे, बट एप्लीकेशन की तरफ जाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. एंड ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम जो दूसरा एप्लीकेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं.